दिस इज संदीप डांगा फ्रॉम बी डी पब्लिक स्कूल. सो एज यू नो दैट फ्रॉम टूडे वी विल स्टार्ट द क्लास एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टूडे क्लास फिफ्थ एंड सब्जेक्ट मैथ्स. देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो पहला लेसन है लार्ज नंबर से हम शुरू करेंगे, जिसमें हम एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे. इसमें पहला एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, रीड एंड राइट द नंबर. लार्ज नंबर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्मॉल नंबर क्या होते हैं. लाइक स्मॉल नंबर्स लाइक 10 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिनको पढ़ना बहुत इजी होता है हमारे लिए. 100 की फॉर्म में होते हैं, जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत इजी होता है. लाइक 150, 102, 150 एक्सेट्रा, ये इनको आप स्मॉल नंबर कह सकते हैं. लेकिन बात कर रहे हैं अगर लार्ज नंबर की, तो लार्ज नंबर में अप टू थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑल्सो वी हैव कंक्लूडेड ऑन इट. तो फर्स्ट एक एग्जाम्पल हमने दिया है, एग्जाम्पल है आपका 56,55,456. सबसे पहले इनको राइट रीड करना और इनको राइट करना हम सीखेंगे यहाँ से. तो सबसे पहले हम इनको पीरियड वाइज डिवाइड कर लेते हैं. तो फर्स्ट में मैं ले लेता हूँ 56 को आप पीरियड में आप डिवाइड करेंगे सबसे पहले. तो पीरियड में डिवाइड करने से आपको मतलब क्या है, ये डिजिट हम देख रहे हैं यहाँ पे वंस है, इट इज 10, 100, 1000 and 10 lakh. राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इनको पीरियड वाइज डिवाइड कर लेते हैं. पीरियड वाइज डिवाइड करने का मतलब हमारा क्या है, ये लैक में है तो इसको लैक पीरियड आप देख सकते हैं, लैक्स पीरियड. एंड सेकेंड 55 को अगर आप लोगे, तो 55 को जब आप राइट करोगे लिखोगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे आप, गुड थाउजेंड फॉर्म में, थाउजेंड फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, थाउजेंड पीरियड. तो डियर स्टूडेंट, थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड है आपके पास में 456. आप इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, 100 या वंस की इसको फॉर्म में आप लिख सकते हैं. तो इट इज वंस पीरियड. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना है यहां से, जब इसको आप लिखेंगे लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए. कैसे, आप क्या लिखोगे, 56 लैख 55 हंड्रेड 55 थाउजेंड 400 400 56 56. यस फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसको रीडिंग करना सीखा, कैसे पीरियड वाइज हमने इसको रीडिंग किया. सबसे पहले 56 को हमने लैक्स में कन्वर्ट किया, लैक्स के पीरियड में कन्वर्ट किया. उसके बाद 55 को हमने थाउजेंड के पीरियड में, और 456 को आपने वन के फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड किया. तो अब हम इसको राइट करने के साथ, रीड करने के साथ साथ में राइट करना सीखेंगे. कैसे सीखेंगे, आप इन सबको सम कर लेंगे. कैसे, 56,55,456. तो डियर स्टूडेंट्स, आपका लार्ज नंबर टोटल मिलकर के क्या हो गया, 56,55,456. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं. पहली एक्सरसाइज है हमारी, पहली एक्सरसाइज की आपको 3 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा यहाँ पर, और 3 क्वेश्चंस में आपको अलग अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लैक की फॉर्म में है, एक करोड़ की फॉर्म में है. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट द नंबर्स नेम्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन है आपके पास 56
70 एंड ए फॉर 5। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया है इसको पीरियड वाइज आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले लैक्स की फॉर्म में, उसके बाद 1000 की फॉर्म में, देन ये 100 एंड 1s की फॉर्म में आप इसको डिवाइड कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको रीडिंग करने का आपको मेथड पता होना चाहिए और मेथड कैसे आप यहाँ से सीखोगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ना लिख करके आप इसको सबसे पहले लैक की फॉर्म में, उसके बाद 1000 की फॉर्म में, उसके बाद 100 एंड 1s की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देन आप आसानी से लिख सकते हैं कितना लैक है, देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लैक एंड 10 लैक। जब आप 10 लैक, आपके पास 10 लैक आता है तो दोनों चीजें, ये दोनों डिजिट आपके मिलकर के बोले जाएंगे यहाँ पर। जैसे आप इसको क्या 5 लैक नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलोगे 56 लैक, तो ऐसे राइट करेंगे 56 लैक, 70,000, 800, 840, yes friends, 45 value, 45। तो dear students, हमारे पास large number writing में क्या आ गया, 56,70,845। dear students, देख लीजिए, आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप पे कमेंट कर सकते हैं, आपको पर्सनली टीचर्स के नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उनसे पर्सनली डिस्कस भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे भी एक बड़ा नंबर आपको समझाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे, इसी का सी पार्ट है 780, 43, 101। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको पीरियड वाइज देख लेंगे, आपके पास क्या है 1s की फॉर्म में, इट इज 10, इट इज 100, इट इज 1000, इट इज 10,000, इट इज लैक, इट इज 10 लैक एंड लास्ट इज करोड़। तो सबसे पहले आप इसको फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे, इट इज 7 करोड़, इट इज ये 10 लैक है, ये 10 लैक है और ये लैक है, तो टोटल मिलकर के क्या बन जाएगा, 80 लैक बन जाएगा। यहाँ देखिए आपको 10,000 है, 10,000 एंड 3, तो 10,000 का मतलब कितना है 40,000 प्लस 3 करेंगे तो 43,000 इसको पढ़ा जाएगा, एंड देन 100 4 + 1 दैट मीन्स 101। डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टू राइट। अब इसको लिखने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप करोड़ यहीं से लिखना आप स्टार्ट करेंगे, हाउ मेनी करोड़, 7 करोड़, वेरी गुड, 7 करोड़, 80, यस बेस्ट फ्रेंड, 7 करोड़, 80 लैक, 7 करोड़ 80 लैक। अभी देखिए मैं अभी ऑलरेडी आपको बताया था 10,000 की फॉर्म है, यानी 40,000 प्लस 3 43,000, 101। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक लार्ज नंबर आ गया है टोटल रिटर्न में, 7 करोड़ 80 लाख 43,101। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, अब इसके बाद इसका ही एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बाकी के 3 क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताऊंगा जो आपको सेल्फ करके देखने हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा। बार बार कह रहे हैं किसी भी वीडियो में आपको अगर कोई
चीज समझ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10 करोड़ का, लास्ट क्वेश्चन ई, ये नंबर आप देखेंगे 88, 3, 45, 118। सो डियर फ्रेंड्स, आप इसको फॉर्म में कर लेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक, 10 लैक, 10 लैक करोड़ एंड 10 करोड़। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सीधा सीधा क्या करना है, इस फॉर्म में आप इसको रिटर्न कर लेंगे, जैसे 10 करोड़ ये लगे 3 लैख 3 लैख 45 45 100 180। तो डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट नंबर आपके पास रिटर्न भी क्या गया 88 करोड़ 3 लैख 45,108। तो डियर फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज में बी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आपको बी डी और एफ आपको सेल्व करने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई कमेंट हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पर्सनली बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।